वो भी पीयूष गोयल जी के माध्यम से आने वाले दिनों में हम करने वाले हैं। माड़ा में पहली बार, माड़ा में मालोनी बस्ती बसी है, तब से लेकर अभी तक 16 करोड़ रुपए का फंड सैंक्शन करके पूरे पाइपलाइन को बदलने का काम किसी ने किया होगा तो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं ने किया है, जिसमें सारे इंटरकनेक्टेड पाइप को जोड़कर मालौनी के लोगों को पानी देने का काम हमने किया है। मैं कभी कभी पागलपन करता हूं, लोगों को मालूम है, नीचे वाले को भी मालूम है, ऊपर वाले को भी मालूम है। देवेंद्र जी, जब मैं 2019 के चुनाव में मालौनी में गया तो मालौनी के वहां पर बहनों ने गंदा काला पानी बॉटल में भरकर लाया और दिखाने के लिए सैंपल, तो जितना पानी खराब आता है उससे खराब लाते हैं, उसमें कीड़े थे। और जनता में और मीडिया के सामने बहनों ने कहा कि ये पानी हम पीते हैं। एक बार कहा, दो बार कहा, तीसरी बार जब उन्होंने कहा तो मैंने वो बॉटल लेकर मैंने पी लिया कीड़े वाला पानी। ये कैसे पिया मुझे मालूम, लेकिन मैंने पी लिया। मैंने कहा कि आप पीते हो तो आपके जनप्रतिनिधि के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी पीऊं, और मैंने वो पानी पिया, मैंने वो पानी पिया। तब उन बाद में मैंने कहा मीरा ने विष पिया था, लेकिन मीरा को कुछ नहीं हुआ, कि मीरा पवित्र थी। वैसे गोपाल शेट्टी ने भी 16 करोड़ रुपए का फंड देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से पास करवाकर पूरा तैयार हुआ था, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ था, तो मैंने बहुत हिम्मत से वो पानी पिया और चुनाव जीत कर आने के बाद में वो पूरे के पूरे पाइपलाइन बदली करके मालौनी के लोगों को पानी देने का काम हमने किया। मालौनी के लोगों को पानी देने का हमने काम किया। मालौनी और मढ़ में पहली बार मढ़ वर्सोवा का ब्रिज टेंडर अभी हो गया है, काम कभी भी शुरू होगा। इतने सालों के संघर्ष के बाद ये मढ़ वर्सोवा का ब्रिज आने वाले दिनों में बनेगा, लेकिन उसके पहले ये गोपाल शेट्टी को सांसद भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, लोगों ने वोट दिया, हमने वहां पर दूसरा स्पेशल बोट चालू किया, जिस बोट को चालू करने के लिए मुझे संघर्ष बहुत करने पड़े दिल्ली में भी, लेकिन वो बोट आज भी चल रहा है, बहुत लोग उसकी सुविधा दे रहे हैं। ये काम हमने पहली बार करने का काम किया। मलाड़ की अगर आप बात करेंगे तो पूरा नक्शा हम बदलने का काम कर रहे हैं, पूरा नक्शा बदलने का काम कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी बताएंगे उनके भाषण में। इसलिए बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारा काम आने वाले दिनों में होने वाला है। हमारे नगर सेवकों ने जो काम किया, मलाड़ के इतिहास में पहली बार जयाब तिवाना के माध्यम से स्विमिंग पूल अगर उत्तर मुंबई में कहीं महापालिका के माध्यम से हुआ है तो ये मलाड़ में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि के माध्यम से हुआ है। सुनील कोहली के माध्यम से कितने चौक, वीर सावरकर से लेकर अनगिनत कामों का हम यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। सेजल देसाई के माध्यम से सभी रास्तों को कॉन्क्रीट करने का काम शुरू हुआ है। ये तीनों वार्ड में आप देखेंगे तो इतने सारे अंबार जैसे बड़े बड़े कामों को अंजाम तक पहुंचाने का हमने काम किया है, हमने काम किया है। मेरा जो टची विषय है, जिस काम के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे में राम नाईक जी के नेतृत्व में आया है, मैं महाराष्ट्र के सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं देवेंद्र फडणवीस जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सबको हक्का पक्का घर देने का बात किया, 2015 में कानून देवेंद्र जी ने बनाया, 2018 में वो पूरा तैयार होकर इम्प्लीमेंट स्टेज पर आ गया, 2011 तक के लोगों को घर देने का अगर किसी ने वादा ही नहीं किया तो उसको इम्प्लीमेंट किया तो हमारे सरकार ने किया है, देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है, एकनाथ शिंदे जी ने किया है। और आपको मैं बताता हूं, जिस विषय को लेकर उत्तर मुंबई के हम सारे नगर सेवक, सारे एमएलए और स्वयं मैं हमने संघर्ष किया, मुंबई को स्लम फ्री करने की हमने बात की, महाराष्ट्र की सरकार ने इस विधानसभा में उस विषय को एजेंडे के ऊपर लाने का काम किया है। आने वाले दिनों में मुंबई को स्लम फ्री करने का संकल्प भी मित्रों वो पूरा होने वाला है। हजारों की संख्या में हमने टॉयलेट मलाड़ में बनाए, भारत विकास परिषद के माध्यम से हॉकर्स फ्री मुंबई को करने का संकल्प भी हमने लिया है, वो भी आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट होगा। हॉकर्स का सम्मान करते हुए उनको सही ढंग से बिठाने की व्यवस्था मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के इजाजत से परमिशन के माध्यम से करने का काम भी हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं। बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे काम हमको आने वाले दिनों में करना है। मैं पीयूष गोयल जी जैसे हमको एक सांसद मिले हैं जिन्होंने कांदिवली में स्किल डेवलपमेंट का सेंटर शुरू किया, बोरेली में हम बहुत ही जल्दी कर रहे हैं, कल उन्होंने घोषणा किया कि हम मलाड़ में भी स्किल डेवलपमेंट का सेंटर स्टार्ट करेंगे, जिसके माध्यम से हमारे बच्चों को आने वाले दिनों में सीखने के लिए मिलेगा, उनको काम, उनको हुनर सीखने के लिए मिलेगा। इतना ही नहीं तो पीयूष गोयल जी अधिक सारे डिटेल देने वाले हैं,
कांदिवली का सेंटर स्टार्ट तो हो गया लेकिन सैकड़ों बच्चों को जॉब भी मिल गया है, ये उनके भाषण में सारा डिटेल वो बताने वाले हैं। इतना सारा काम होने वाले हैं, इसलिए पीयूष जी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, 2014 में भी जब मुझे सांसद बनने के लिए कहा गया था तो मैंने कहा था मैं तो काम करता हूँ एमएलए के माध्यम से, मैं तो मजदूरी करने का काम करता हूँ, मेरा ये स्वभाव है, मेरा पिंड है, जिसमें जिस घर में मैं पैदा हुआ उसके भाग्य में उससे ज्यादा क्या लिखा था। लेकिन उत्तर मुंबई का सांसद एक सक्षम व्यक्ति को आप बनाएंगे तो पार्टी ने मुझे पूछा आप ऐसा क्यों बताते हो, मैंने कहा कि मेरे उत्तर मुंबई को 2 स्कूल 2 कॉलेज 2 हॉस्पिटल की आवश्यकता है, कोई सक्षम व्यक्ति आएगा तो करेगा। लेकिन पार्टी ने कहा कि आपको ही करना है, मैं मानता हूं कि हमने किया 10 साल। लेकिन आज जब पीयूष गोयल जी आए हैं तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में आने वाले 5 साल में, इस 5 साल में ऐसे ऐसे काम उत्तर मुंबई में होने वाले हैं जो आजादी के 75 साल में नहीं हुआ होगा, ऐसे सारे काम होने वाले हैं। और ये जो मैं कहता हूं सिर्फ भाषण के लिए नहीं है, ये मलाड़ के चुनाव के लिए नहीं है, तो ये सारा काम करवा के लेने का काम मैं आने वाले दिनों में करूंगा, ये बात कहने के लिए यहां पर मैं आया हूं। अंत में मैं विनोद सेलार के बारे में कहूंगा, जैसा मैं कुछ पागलपन करता हूं वैसा विनोद सेलार ने भी कुछ पागलपन किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का एडिशनल जनरल मैनेजर का नौकरी कोई छोड़ता है क्या? मैंने उनको कहा कि विनोद तुम अगर मेरे को पूछते तो मैं बोलता बिल्कुल छोड़ के ये धंधे में मत आना भाई, बिल्कुल मत आना। लेकिन वो आ गए, भगवान की कृपा हो गई, मलाड़ में नगर सेवक बन गए, एक नंबर का काम किया, एक नंबर का काम वहां पर उन्होंने किया। पार्टी ने उनको एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन बनने का मौका दिया, बहुत बढ़िया काम किया, गली गली में घूमने वाला कल्पकता एक विजनरी लीडर मलाड़ के आमदार के रूप में आने वाले दिनों में आप सबको मिलने वाला है। हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम विनोद सेलार को भारी मतों से जिताकर देवेंद्र जी का साथ मिलेगा, पीयूष जी का साथ मिलेगा, हम सब कार्यकर्ताओं का साथ मिलेगा, तो देखते देखते हम आने वाले दिनों में मलाड़ को बोरीवली से भी आगे ले जाएंगे। मलाड़ को जब मैं बोरीवली से आगे ले जाने की बात करता हूं तो बोरीवली को मैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर आगे लेके गए, लेकिन आज मलाड़ को पीयूष गोयल जी जैसे एक सक्षम सांसद मिले हैं तो मलाड़ कहां जाएगा इसका अंदाजा आप करिए। और आने वाले बचे हुए दिनों में विनोद सेलार को भारी मतों से जिताने का काम आप सब लोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। धन्यवाद जी। मंच पर उपस्थित हम सभी के नेता, महाराष्ट्र के लोक नेता, उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, पूर्व राज्यपाल और हमारे नेता, वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री राम नाईक जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, उत्तर मुंबई के सांसद आदरणीय पीयूष गोयल जी, हमारे उत्तर मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी, शिवसेना के विभाग प्रमुख लाल सिंह राजपुरोहित जी, राष्ट्रवादी के इस जिला के अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह जी, आरपीआई के इस जिला के अध्यक्ष रमेश गायकवाड़ जी, और मंच पर उपस्थित हमारे मालाड़ के महायुति के उम्मीदवार, आज के उम्मीदवार, कल के आमदार विनोद शेलार जी, माजी हमारे अभी के आमदार बोरीवली से सुनील राणे जी, मंच पर उपस्थित सभी पक्ष के पदाधिकारी, बड़ी संख्या में उपस्थित सभी नागरिक भाई बहनों को जय श्री राम, जय जय श्री राम। सुनील कोहली जी ने मुझे बोलने के लिए कहा है, मैं मलाड़ से एक्सपोर्ट होकर के कांदिवली गया हूं, ये मलाड़ मेरी जन्मभूमि है, मेरा परिवार पिछले लगभग 1938 से, यानी लगभग 75 साल से या 80 साल से ज्यादा समय से मलाड़ में रहता है, मलाड़ की गली गली में जानता हूं। लेकिन मलाड़ की गली गली जहां मैं साइकिल फिराता था,
आज भी मलाड़ की गली गली ऐसे ही साइकिल के काबिल रही है। मैं कांदिवली का प्रतिनिधित्व तो करता हूं, बोरिवली गोपाल भाई विधायक करके काम किया, राम नाईक जी ने विधायक करके काम किया, सुनील राणे जी ने, विनोद तावड़े जी ने विधायक करके काम किया, आज बोरिवली की सकाल हम सब देखते हैं। आप चारकोप के अंदर अगर आएंगे तो कांदिवली का विकास, समाज कल्याण मंदिर, मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल, अभ्यासिका, रास्ते, गटर, सीवर लाइन, अस्पताल, नई नई स्कूलें, कॉलेजेस, ये सारे कांदिवली वेस्ट में, इसका एक बहुत बड़ा पथराव आप सभी ने देखा होगा। जब मैं मलाड आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं किसी गांव में आया हूं कि क्या। गोपाल भाई पूछते हैं कि मलाड को क्या मिला, मलाड को डायनेस्टी मिली। गोपाल भाई, रमजान अली शेख पहले काउंसिलर, असलम शेख उसके बाद काउंसिलर, कमरुजा सिद्दीकी, कमरजा सिद्दीकी उसकी बहन काउंसिलर, अब बेटे का फोटो दिखता है हैदर शेख, आने वाली पीढ़ी में मलाड के सर पर रखने के लिए। मलाड की जनता इसके आगे ये चलाने वाली नहीं है। मलाड की परिस्थिति आप देखिए, मलाड स्टेशन का नूतनीकरण का काम, मलाड स्टेशन के अपग्रेडेशन का काम अगर किसी ने निर्णय लेकर के किया तो हमारे सांसद और हमारी सरकार ने दिल्ली से निर्णय किया मलाड स्टेशन का अपग्रेडेशन होगा। मलाड के स्टेशन रोड का वाइंडनिंग हुआ, हम गोपाल भाई को जानते हैं, एसवी रोड का वाइंडनिंग हुआ, आज मलाड के एसवी रोड का वाइंडनिंग सारे मुंबई को उदाहरण रूप है। आप कम से कम मलाड के लोगों ने इस बारे में भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों के काम को गिनाए। और हम चाहते क्या है, ये कौन सी भूमि पर हम रहे, जिस देश में, जिस शहर में, जिस मुंबई शहर में बॉम्ब ब्लास्ट कराने वाले याकूब मेमन की फांसी को, याकूब मेमन को क्षमा करो ये पिटीशन दाखिल करने वाला असलम शेख मलाड का प्रतिनिधित्व कर सकता है? अगर नहीं कर सकता है तो आपने ये सोचने की आवश्यकता है। मलाड के डेवलपमेंट में मैं बहुत ज्यादा विषय पर इस पर ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन मैं जरूर इस बात को आपके ख्याल में लाने दूंगा कि मलाड में जिस प्रकार से मतों का ध्रुवीकरण हो रहा है, जिस प्रकार मलाड को परमानेंट किसी एक वोट बैंक तैयार की जा रही है, अगर मलाड का नागरिक जागरूक नहीं हुआ तो ये मौका आपको आज मिला है। आज सारी शक्ति देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ राव शिंदे, अजीत पवार, रामदास आठवले, ये सारी शक्ति एकत्रित होकर के आई है। मलाड में बदलाव दिखता है, मलाड के लोगों की इच्छा समझ में आती है। मैं भी बात करता हूं, घूमता हूं, मीटिंगों में जाता हूं, पूछता हूं, मलाड भी परिवर्तन के रास्ते पर निकला है और मलाड का ये परिवर्तन आने वाले समय में एक जागरूक प्रतिनिधि, एक आपके काम को जानने वाला प्रतिनिधि, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति विनोद छिलार के रूप में पार्टी ने आपके सामने खड़ा किया है। युवा है, विजनरी है, कर्तृत्ववान है, कर्तव्य दक्ष है, किया हुआ इतिहास है। आप सभी का आशीर्वाद का मत, केवल यहां बैठे हुए लोगों का नहीं, लेकिन आप सभी का आशीर्वाद का मत कमल निशान के सामने 20 तारीख को बटन दबाकर महायुति के उम्मीदवार को विजयी बनाइए, यही प्रार्थना करता हूं और आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद आदरणीय योगेश सागर जी, अपनाला ही हार्दिक शुभेच्छा। या ठिकाणी मी विनंती करेन केंद्रीय मंत्री आणि खासदार पीयूष गोयल जी, विनोद शेलार जी यांना मी विनंती करेन की या ठिकाणी आपण या सभेला संबोधित करावे। मंचावर उपस्थित महाराष्ट्राचे भाग्य विधाता, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, पूर्व राज्यपाल आणि उत्तर मुंबई घडवण्यात
ज्यांचं प्रमुख योगदान आहे असे राम नाईक जी माझे मार्गदर्शक आणि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ज्यांनी मला जनसेवा कशी छोटी छोटी कामांच्या माध्यमातून करायची ही शिकवली असे पूर्व खासदार गोपाळ शेट्टी गणेश खणकर जी योगेश सागर जी आमचे दुसरे आमदार प्रवीण भाऊ दरेकर लाल सिंह जी राजपुरोहित सुनील गमरे जी इंद्रपाल चतुर्वेदी जी आणि मंचावर उपस्थित सर्व कारण पीयूषजींनी मला सूचना दिली की नाव न घेता विषयाला हात घाला तर मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर या मंडळाचे अध्यक्ष सुनील कोळी आणि माझ्या सर्व बंधू भगिनींनो दोस्तों ये चुनाव कोई विनोद शेलार को एमएलए बनाने के लिए नहीं है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का एक एमएलए बनाने के लिए नहीं है, ना ही ये चुनाव महायुति का एक एमएलए बनाने के लिए है। ये चुनाव मलाड को बचाने के लिए है, मलाड को समाज विघातक शक्तियों से बचाने के लिए है, आतंकवाद को समर्थन करने वाले शक्तियों का विरोध करने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए है। मित्रों, मैं जब फॉर्म भरने गया था, फॉर्म भरने के बाद जब स्क्रूटिनी की बात आई तो मैंने एक अलग सत्य देखा। आम तौर पर बच्चा पहली दूसरी आठवीं सातवीं आठवीं नौवीं ग्यारहवीं बारहवीं पढ़ता है, लेकिन हमें ऐसे एक विधायक मिले हैं इधर जो 2009 में बारहवीं पास होते हैं, 2014 में 19 में और अभी 2024 में वो उल्टी गिनती करते हैं और आठवीं पास होते हैं। ये कैसे है भाई? दोनों में से एक सच होगा ना, या तो आप उस वक्त झूठ बोल रहे थे या अभी झूठ बोल रहे हो। जिसकी पूरी नींव, यानी पहले बार वो जब एमएलए बने तो उसकी नींव ये झूठ के आधार पर है, जो झूठ के आधार पर अपने एमएलए की करियर बनाता है वो आपसे कैसे सच बोलेगा, कैसे आपको न्याय देगा? सोचने की बात है। मैंने अभी उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट पढ़ा, अरे उससे तो बढ़िया जाड़ा नगर सेवकों का रिपोर्ट होता है। कितनी झूठी बातें उसमें कही थी। उसमें कहा था ये पी नॉर्थ का ऑफिस बीएमसी का 11 मंजिल वाला मैंने बनाया है, उन्होंने बनाया नहीं। साफ झूठ। जब मैं प्रभाग समिति का अध्यक्ष था और स्टैंडिंग का मेंबर था तब हमारे नगर सेवकों ने मिलकर महायुति के उस वक्त के वो बनाया था। वो वलने के एक स्कूल की बात कर रहे, मैंने बनाया वो वलने का स्कूल और उसके पीछे का पूरा फॉलोअप। यहाँ पे नगर सेविका हमारी सेजल देसाई है और मैंने मिलकर किया था। मलाड के सभी रोड्स, फ्लाईओवर, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों ने और पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी के प्रयत्न से बने हैं।
फिर भी अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट में गलत बातें बनाना, लोगों को गुमराह करना इस विधायक का रोज का धंधा है। और इसलिए दूसरे के काम के ऊपर अपना क्रेडिट लेना ये उनकी फितरत है। और इसीलिए तेजिंदर जी उनको बोलते हैं क्रेडिट जीवी विधायक, जिनकी जीवनी दूसरे के काम का क्रेडिट लेने में ही जाती है। मित्रों, किसी ने मुझे ऊपर आते आते पूछा, आप विधायक बनने के बाद क्या करोगे? मित्रों, सबसे पहले जो टारगेट मैंने मेरे लिए सेट किया है वो मलाड़ को मैं जीत के आने के बाद और विशेषता मालवनी को 4 महीनों में ड्रग्स मुक्त करूंगा, नशा मुक्त मालवनी, ये हमारा टारगेट रहेगा। आज मालवनी ड्रग्स की हब बन चुकी है। जगह जगह पर ड्रग्स, पब्लिक टॉयलेट में ड्रग्स, रोड पर ड्रग्स, हर जगह ड्रग्स ने अपना घर बना लिया है। और इसीलिए पूरे मालवनी उसको ड्रग्स से मुक्त करना है। दूसरा टारगेट हमने रखा है जिसमें आदरणीय, जिनको मैं मेरा जीवन का आदर्श मानता हूं, उस हमारे देवा भाऊ जी का आशीर्वाद और समर्थन मुझे लगेगा, मालवनी को भयमुक्त बनाना है, गुंडागर्दी से मुक्त करना है, आए दिन पॉक्सो लगाना, महिलाओं के केस डालना, किसी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं तो कोई भी केस डालना, ये सब आने वाले दिनों में चलेगा नहीं। मलाड़ में रोहिंग्या और बांग्लादेशी आते दिन आ रहे हैं, उनका नाम विधायक जी वोटर लिस्ट में डालने का प्रयास करते हैं, ये भी आने वाले दिनों में नहीं होगा। स्वास्थ्य की फैसिलिटी, 12 साल से 7 नंबर का बीएमसी अस्पताल बन ही रहा है और भी 2-3 अस्पताल बन ही रहे हैं, अस्पताल का खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, काम नहीं हो रहा है। बहुत सारे विकास के काम जो रुके हैं वो पीयूष जी के मार्गदर्शन में ये विनोद शेलार आने वाले दिन में करेगा। अंत में, क्योंकि हम सबको पीयूष जी को सुनना है, हम सबको देवेंद्र जी को सुनना है, लेकिन एक बात 2 मिनट में आपके सामने रखता हूं। ये दर्द भी है, नाग पंचमी आती है तो हम क्या करते, ऐसे कभी सांप हमने इधर उधर देखा तो हम मारने को दौड़ते, लेकिन नाग पंचमी आई तो उस सांप का पूजन करते हैं। थोड़ा ऐसा ही मलाड़ में होता है। मलाड़ के लोग 5 साल असलम शेख को दिन भर के गाली देते हैं, लेकिन चुनाव में फिर उनको ही वोट करते हैं। ये अभी नहीं है, चलेगा। मित्रों, मैं ऑलवेज ये कहता हूं, आम के पेड़ के नीचे खड़े होकर सेब की अपेक्षा नहीं करते, सेब चाहिए तो सेब के पेड़ के नीचे जाना पड़ेगा, और आम के पेड़ के नीचे ही सेब खाऊंगा ऐसी अगर सोच है तो भूखे रहो। अगर मलाड़ में विकास चाहिए, हमारी आने वाली नस्ल का विकास चाहिए, तो सोच बदलनी पड़ेगी, परिवर्तन लाना पड़ेगा, मलाड़ के नेतृत्व में बदल लाना पड़ेगा, तभी मलाड़ में विकास आएगा। जिसे सही वक्त पे गुस्सा नहीं आता वो कभी इतिहास बदलता नहीं। हमें अपना गुस्सा दिखाना पड़ेगा, रास्ते पर आना पड़ेगा, और ये गुस्सा 20 तारीख को कमल के बाजू का नीला बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर इधर मलाड़ में
भारतीय जनता पार्टी का विधायक लाने में आज से अभी से इसी क्षण से सभी ने अपनी ताकत जोर से लगानी चाहिए। यही रिक्वेस्ट आज ये करने आया हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद विनोद जी। मैं रामबाबू जी नाइक उनको विनंती करूंगा कि आशीर्वाद पद दो शब्द उनको विनोद शेलार जी को। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री फडणवीस जी, केंद्र के मंत्री और अपने यहाँ के सांसद पीयूष गोयल जी, अपने उम्मीदवार विनोद जी मंच पर बैठे हुए सभी मान्यवर और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हुए भाई और बहन, मुझे यहाँ आने के पहले ही दम दिया गया है कि जल्दी काम करना है, लेकिन मैं आपको केवल एक बात की याद करूंगा और वो एक बात है कि गैर विधानसभा चुनाव में जब नतीजे आए तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार जी ने कहा था कि मतदाताओं ने हमें अब विरोधी पक्ष में बैठने का निर्णय किया है और उसी प्रकार का काम हम करेंगे और उसी प्रकार का काम शिवसेना के नेता को भी हम सिखाएंगे। भाई और बहनों, 5 साल जरा नजर में लाए और देखिए कितने झूठ हैं, अभी भी जिस प्रकार का काम करते हैं। तो चुनाव में भी ऐसी बात कभी होनी चाहिए कि जो झूठ बोलता है, जो झूठ करता है, उसको भी रास्ता दिखाना है। ऐसा रास्ता उत्तर मुंबई हमेशा दिखा रही है। थोड़ा मालाडई पीछे रहा था, लेकिन ये सारा देखने के बाद मुझे विश्वास हो रहा है कि उत्तर मुंबई में अब मलाड भी इसी के साथ आ रहे। ऐसा काम आप करें। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और शेलार जी को यह विशेषता आशीर्वाद देना क्या है, सबको अभिनंदन करना है। और इसलिए आप सब मिलकर शेलार जी को काम करके सहयोग दो। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत। मान्य देवेंद्र फडणवीस जी, मान्य रामबाव, मान्य गोपाल जी, सभी सम्मान्य मंच और आज के वास्तव में उत्सव मूर्ति हमारे मलाड के सभी भाई बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने संकल्प लिया है। मलाड डिमांड्स चेंज। अब मलाड पे बदलाव आना है और आना रच, ये जो आप सब ने ठाना है, मुझे पूरा विश्वास है हम सब मलाड पे इस बार जो वर्षों का अतिक्रमण, वर्षों में नशा, वर्षों से अलग अलग प्रकार से कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम असलम शेख जी ने किया है, उसको समाप्त करने का ये सही समय है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश विकसित भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, उसमें अगर महाराष्ट्र में एक अच्छी महायुति की सरकार आती है, प्रचंड बहुमत से आती है, तभी महाराष्ट्र का विकास होगा, मुंबई का विकास होगा और मलाड
तभी एक उत्तम क्षेत्र बनने के लिए पूरे मौके पाएगा। मुझे लगता है उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई तभी बना सकेंगे जब 6 के 6 आमदार भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी और रपई के हमारे महायुति के होंगे। ये महाविनाश आघाड़ी महाराष्ट्र या मुंबई का कोई उतार नहीं कर सकती, और मैं पूरे विश्वास के साथ आप सबको आश्वस्त करता हूं, आप सबको ये वादा करता हूं कि हम उत्तर मुंबई को पूरे मुंबई का सबसे अच्छा क्षेत्र और इस क्षेत्र को पूरे देश में एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का तो आशीर्वाद है, लेकिन महाराष्ट्र में जब देवेंद्र फडणवीस जी और महायुति के नेता एकनाथ शिंदे जी, हमारे अजीत दादा पवार और आरपीआई के नेता रामदास आठवले जी, जब चारों पार्टी के नेता हमें नेतृत्व करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे और सहयोग करेंगे, तभी मलाड आगे बढ़ सकते हैं, तभी मलाड इस क्षेत्र में एक नए रूप से, बड़े रूप से उभरेगा और मलाड के सभी लोगों के जीवन में एक नई सुबह, एक अच्छा भविष्य देखने को मिलेगा। मैं सिर्फ 2 विषयों का वर्णन करूंगा, सभी ने बहुत कुछ कहा है। एक तो कोस्टल रोड, आपने अनुभव किया होगा कोस्टल रोड से कितना लाभ हुआ है। अब वो नरीमन पॉइंट से बांद्रा तक आई है, देवेंद्र फडणवीस जी और महायुति के प्रयास से सभी नेताओं ने मिलकर जो दिन रात मेहनत की, अब वो कोस्टल रोड भयंदर तक एक्सटेंड होने जा रही है, उसका टेंडर भी हो गया है और पर्यावरण की अनुमति भी मिल गई है। आप कल्पना करिए, अगर भयंदर से कोई निकले और नरीमन पॉइंट विधानसभा जाना हो, मात्र 25-30 मिनट में पूरा सफर कर सके, मलाड से निकल के 25 मिनट में हम विधानसभा देवेंद्र जी को मिलने पहुंच सके, तो आप सोचिए क्या बड़ा परिवर्तन हमारे विकास में, क्षेत्र के विकास में होगा। और दूसरा, देवेंद्र फडणवीस जी और सभी महायुति के नेताओं ने तय किया है कि पूरे महाराष्ट्र को, सभी जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, सभी जो पुरानी चौली में रहते हैं, उन सभी को एक अच्छा पक्का घर जहां वो रहते हैं वहीं पर बनाने का ये निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने किया है। और इसको पूरा करने के लिए हमें एक अच्छी, सक्षम, कर्मठ, ईमानदार नेतृत्व की आवश्यकता है। इसीलिए अब मलाड में बदलाव आवश्यक है। हम सब आज से लेकर 20 तारीख तक अपने पूरे मित्र मंडल, परिवारजन, पड़ोसी सभी को प्रेरित करके बड़ी मात्रा में 20 तारीख को वोटिंग के लिए निकाले और कमल के फूल को मलाड में खिलाएं, जिससे जिस कीचड़ में असलम शेख ने मलाड को पिछड़ा बना रखा है, उसके बदले कमल के साथ साथ विकास का तूफान मलाड में पहुंचे। इन्हीं बातों से मैं आपसे विदा लेता हूं। हम सब देवेंद्र जी को सुनने के लिए आतुर है। मैं आमंत्रण करता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी आप सबको संबोधित करें, हम सबको प्रेरणा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, जय श्री राम, जय श्री राम।
मंचावर उपस्थित उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रामभाऊ नाईक जी, आपले लोकप्रिय खासदार माननीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, आपले लोकप्रिय माजी खासदार माननीय गोपाल शेट्टी जी, आमदार योगेश सागर जी, प्रवीण दरेकर जी, सुनील राणे जी, विनोद शेलार जी, रमेश सिंह ठाकुर जी, गणेश खणकर जी, सुनील कोळी जी, आर्यू सिंह जी, ब्रजेश सिंह जी, योगेश वर्मा जी, युनुस खान जी, तेजिंदर सिंह तिवाना, गंगाराम जमनानी, लाल सिंह राजपूत जी, अभिजीत राणे जी, इंदरपाल सिंह जी, बाबा सिंह जी, नरेंद्र राठौड़ जी, माधवी ताई भूता, जॉन डेनिस, रमेश गायकवाड़, सत्यप्रकाश सिंह, दीपक जोशी, योगिता कोळी, सुरेश मापारी, जया तिवाना, उदय चौगुले, सेजल देसाई, दीपक रावराणे, सुनील गमरे, राजेश देसाई, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, महायुति के सभी नेतागण, अगर किसी का नाम छूट गया तो लिखने वाले की गलती है, मेरी गलती नहीं है, फिर भी माफी मांगता हूं। और यहां पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित मेरी तमाम लाडली बहनें और उतने ही लाडले भाइयों, आज मालाड़ में हम सभी के बहुत ही प्रिय उम्मीदवार, जिनका वर्णन गोपाल भाई ने किया, राजनीति को मिशन मानकर राजनीति में आए हुए विनोद शेलार जी के लिए आशीर्वाद मांगने को हम सब एकत्रित आए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये मुंबई, उसका बदला हुआ स्वरूप आज हम जो देख रहे हैं, 2014 में देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई और उनके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में भी भाजपा महायुति की सरकार आई और मुंबई का चेहरा बदलना हमने शुरू किया। उससे पहले 1995 से 99 तक महायुति की सरकार थी, हमने मुंबई बदली, लेकिन 15 साल कांग्रेस की सरकार इस मुंबई ने, इस महाराष्ट्र ने देखी और 25 साल हमारे दोस्तों की सरकार भी मुंबई महापालिका में हमने देखी, लेकिन इनमें से कोई भी, मैं दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ कांग्रेस पार्टी उबाठा का कोई भी नेता मुंबई के लिए किया हुआ एक आइकॉनिक काम नहीं बता सकता। अरे मुंबई जिस प्रकार से 2014 के बाद बदली है, अगर इसका श्रेय किसी को जाता है तो भाजपा और एनडीए को जाता है, मोदी जी को जाता है। वैसे तो मुंबई करो के कई प्रश्न है, लेकिन दो महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक, मुंबई करो को आवाजाही में जो समय गंवाना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है केवल मुंबई ऐसी है जहां पर लोग अपने घर में कम और ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा समय बिताते हैं, इस प्रकार की मुंबई की अवस्था है। इस मुंबई के ट्रांसपोर्टेशन को सुधारने के लिए अपनी सरकार ने निर्णय किया। आज हम देख सकते हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने 11 सालों में मुंबई में 11 किलोमीटर मेट्रो का नेटवर्क तैयार किया, अपनी सरकार ने 5 साल में 354 किलोमीटर के नेटवर्क की शुरुआत की, 100 किलोमीटर का नेटवर्क कंप्लीट हो गया, अभी हर साल 50 किलोमीटर कंप्लीट होगा, पूरे मुंबई को इंटीग्रेट करने का काम
इस मेट्रो नेटवर्क के माध्यम से हमने किया। वहीं दूसरी ओर हमारी मुंबई की जो लाइफलाइन है, जो हमारी सबर्बन रेलवे है, लोकल ट्रेन है, उसके प्लेटफॉर्म को सुधारना हो, उसकी गति को बढ़ाना हो, उसके डिब्बे को सुंदर करना हो, वहां पर एस्केलेटर लगाना हो, पैसेंजर की सुविधाओं को बढ़ाना हो, ये सारा का सारा काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की एनडीए की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने किया। और साथ साथ हमने मेट्रो भी बनाई, हमने सबर्बन रेलवे भी सुधारी, और उसके साथ साथ इस मुंबई में हमने रास्तों का नेटवर्क भी तैयार किया, फ्लाईओवर का नेटवर्क भी तैयार किया। अभी अभी पीयूष जी बता रहे थे कोस्टल रोड के बारे में। दोस्तों, कोस्टल रोड के बारे में सोचा गया 1980 में, सरकारें आती गई जाती गई, कई सालों तक मुंबई में भी और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन काम नहीं कर पाई। मोदी जी के नेतृत्व में अपनी सरकार आई, मैं दिल्ली गया, मोदी जी के पास बैठा, पांच बैठकें की और हमने कोस्टल रोड मंजूर कर लाया। आज कोस्टल रोड तैयार हो गया। आज हम लोग देख सकते हैं नरीमन पॉइंट से वर्ली तक, वर्ली से बांद्रा तक, बांद्रा से वर्सोवा तक का काम शुरू हो गया, वर्सोवा से मढ़ तक का काम शुरू हो रहा है, मढ़ से उत्तन तक और उत्तन से विरार तक हम लोग इसको ले जा रहे हैं। मैं अभी अभी जापान गया था, जापान की सरकार के सामने मैंने प्रस्ताव रखा, हमारे मुंबई के इस कोस्टल रोड को अगर विरार तक ले जाते हैं तो हमारा वेस्टर्न एक्सप्रेसवे जो है, जिसके ऊपर घंटों लोगों को ट्रैफिक में रहना पड़ता है, ये वेस्टर्न एक्सप्रेसवे डीकंजेस्ट होगा, इस पर ट्रैफिक जाम नहीं होगा। और मुझे बताते हुए खुशी होती है, जापान की सरकार ने इसके लिए 54,000 करोड़ रुपए देना तत्वता मान्य कर लिया और ये कोस्टल रोड बनेगा। तो जो हमारे वेस्टर्न सबब है, जो ये पश्चिमी उपनगर है, यहाँ के लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। एक ओर मेट्रो होगी और दूसरी ओर कोस्टल रोड होगा, तीसरी ओर हमारी लोकल ट्रेन होगी। आपका समय बचेगा, जो समय थोड़ा परिवार के साथ, बच्चों के साथ आप बिता सकते हो, वो आपका कीमती समय आप तक पहुंचाने का काम अपनी सरकार यहाँ पर कर रही है। लेकिन हम तो आपके लिए काम करना चाहते हैं, पर ये कैसी सरकार थी, 2.5 साल की उद्धव ठाकरे जी की, शरद पवार जी की, कांग्रेस की सरकार, जिसने हर चीज में अड़ंगा डाल दिया, कोस्टल रोड को रोक दिया, मेट्रो को रोक दिया, अटल सेतु को रोक दिया, बुलेट ट्रेन को रोक दिया। अरे हमारी सरकार गति की सरकार है और वो स्थगिति की सरकार थी, हर चीज पर उन्होंने स्थगिति दी, हर चीज को रोकने का काम किया। मैं मुंबई करो की ओर से सवाल पूछना चाहता हूँ, अरे कांग्रेसियों, उबाठा के लोगों, आपने तो कुछ किया नहीं। हम अगर मुंबई की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कम से कम उसमें अड़ंगा तो मत डालिए, लेकिन उसमें भी अड़ंगा डालने का काम इन लोगों ने किया। आज हम देख सकते हैं मुंबई में सबसे बड़ी दूसरी समस्या लोगों की कोई होगी तो वो निवास की समस्या है, घर की समस्या है। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है मेरा भी आशियाना होना चाहिए। इस मुंबई में कई लोगों ने राजनीति की, किसी ने मराठी मानुस के नाम से राजनीति की, किसी ने झोपड़पट्टी के नाम से राजनीति की, लेकिन किसी को मकान नहीं मिला। 2014 के बाद पहला निर्णय हमने किया, 2011 तक जो झोपड़पट्टी में रहते हैं ऐसे सभी लोगों को उसी स्थान पर 350 स्क्वायर फीट का मकान हम देंगे। और आज इतनी सारी योजनाएं शुरू हुई। दोस्तों, एसआरए में जो योजनाएं 20-20 साल से बंद थी, उन योजनाओं को भी
हमने म्हाड़ा को दिया, हमने एसआरए को दिया, डेवलपर से निकालकर हमने महानगर पालिका को दिया और उसका काम भी शुरू किया। आने वाले दिनों में 20-20 साल से जो गरीब केवल बाट जोते थे, मुझे घर मिलेगा, मेरा आशियाना मिलेगा, उसका आशियाना मिलने का ख्वाब पूरा करने का काम अगर किसी ने किया तो हमारी सरकार ने किया। इतना ही नहीं, देखिए ये लोग राजनीति करते, मराठी माणूस के नाम से पत्राचाल में रहने वाले मराठी आर्मी को बेघर करने का काम इन्होंने किया था, उसका काम हमने शुरू किया। बीडीडी चाल में रहने वाले, 120 फुट में रहने वाले उस मराठी मानुष को 550 स्क्वायर फीट का मकान वहां पर देने का काम हमने किया। अभ्युदय नगर में रहने वाले मराठी मानुष को वहां पर रहने का मकान हमने देने का काम किया। और मैं विशेष रूप से हमारे प्रवीण दरेकर जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रवीण दरेकर जी ने एक बहुत बड़ी हमारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की परिषद यहाँ पर रखी, हजारों हजारों लोग उसमें सम्मिलित हुए। हमारा ये जो पूरा वेस्टर्न सबब है, इसमें कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, इनके बहुत प्रश्न थे, इनका रीडेवलपमेंट करना जरूरी था, उसके लिए 18 निर्णय लेने थे, पुरानी सरकारों ने नहीं लिए, एक झटके में 18 निर्णय हमने कर दिए। हजारों हजारों लोगों को अब उनका मकान, बड़ा मकान मिल रहा है और साथ साथ स्वयं पुनर्विकास, सेल्फ रीडेवलपमेंट, मतलब कोई बिल्डर नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, खुद आप ही आपका विकास कर सकते हो। ये योजना लाई, उसको एक खिड़की योजना में परिवर्तित किया और हमारे दरेकर जी के बैंक ने उसको कर्जा भी दिया। 18 सोसाइटियां खड़ी हो गई और 64 सोसाइटियों का काम चल रहा है। भाड़ा के लेआउट्स में बड़े पैमाने पर हम लोगों ने विकास का काम शुरू किया और सबको आशियाना देने का काम हमने शुरू किया। इसलिए मुंबई करो का जो सपना है, उस सपने को पूरा करने वाली अगर कोई सरकार होगी तो ये हमारी महायुति की एनडीए की सरकार है। ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये बरसाती मेंढक है, बरसाती मेंढक। चुनाव आता है तो चुनाव आने के बाद ये घोषणा पत्र कहते हैं, अरे पिछले घोषणा पत्र में बोल दिया झोपड़पट्टी वासियों को 500 स्क्वायर फीट का घर देंगे, बोला था राहुल गांधी ने, यहाँ आए थे, घोषणा की थी, अरे 2.5 साल सरकार थी, 2.5 साल में 500 स्क्वायर फीट तो छोड़ो, 2 स्क्वायर फीट का मकान भी नहीं दिया और कल वापस घोषणा पत्र जारी किया तो भूल ही गए झोपड़पट्टी वासियों के बारे में, कोई बात उनके घोषणा पत्र में उन्होंने कही ही नहीं, वो भूल गए कि ये मुंबई में रहने वाले हमारे गरीबों का भी विचार हमको करना होगा। आज हम देख सकते हमारे जो कोळीवाडे है, हमारा कोळी समाज जो हमारा मुंबई का मूल निवासी है, इन कोळीवाडों का सीमांकन हमने किया, इनके लिए एक स्पेशल डिस्पेंसेशन हमने तैयार किया और आने वाले दिनों में हमारे कोळीवाडों का भी विकास हमारे कोळी समाज के माध्यम से होगा, ये हमने करके दिखाया। और इसके साथ साथ जो मच्छीमारी करते हैं, मासीमारी करते हैं, अभी भी जिनका व्यवसाय है, उनका व्यवसाय बढ़े इसलिए मोदी जी के नील क्रांति योजना से जेटी तैयार करना, बाजार तैयार करना, ऐसे कई काम हमारी सरकार ने हाथ में लिए, क्योंकि हर गरीब को, हर आदमी को, हर निवासी को न्याय देने का काम हम लोग करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इस मुंबई के अंदर कुछ लोग केवल भाषण करते हैं, भाषण, भाषण के सिवा ये कुछ नहीं करते, ये केवल गाली देने का काम करते हैं। और अब तो ये परिस्थिति हो गई, अभी हमारे विनोद शेलार कह रहे थे मालवणी को ड्रग मुक्त करना है, विनोद जी अब तुम्हारा मिशन नहीं, ये देवा भाव का मिशन है।
हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमको मिशन दिया है, इस भारत में जो ड्रग्स का कारोबार हो रहा है उसको नेस्तनाबूद करना है। और देखिए पिछले 2.5 सालों में रिकॉर्ड ड्रग के ऊपर हमने कार्रवाई की है, और इसके बाद ये ड्रग बेचने वालों को हम ठोकेंगे 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 ठोकेंगे। और इनके आड़ में जो कारोबार कर रहे हैं, जिनका इनको वरद हस्त है, जिनका वरदान है, जरूरत पड़ी तो उनको भी ठोकेंगे। विनोद शेलार कह रहे थे ये बात सही है, ये साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारे मालाड का अस्तित्व रहेगा कि नहीं, इस प्रकार का चुनाव है जिस प्रकार से यहाँ गतिविधियां बढ़ रही है। अरे हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हमने कभी धर्म की बात नहीं की, हमने कभी अन्याय नहीं किया, हमने योजनाएं लाई सभी जाति धर्मों के लिए लाई, पर अगर यहाँ पर कोई वोट जिहाद की बात करता होगा तो उसको वोटों के धर्म युद्ध से हम जवाब देकर रहेंगे। ये कौन सा वोट जिहाद चल रहा है? है वक्फ बोर्ड को 10,000 करोड़ रुपया दे दो, उनकी डिमांड है। यहाँ पर 2012 से 2024 तक जितने दंगे हुए, उन दंगों में जिन मुसलमानों को आरोपी बनाया उनके सारे आरोप वापिस ले लो, इस प्रकार की डिमांड रखते हैं। अरे शर्म करो, ये महाविकास आघाड़ी वाले लिखित में उनको देते हैं, पत्र मेरे पास है मैं आपको दे सकता हूँ, ये लिखित में उनको देते हैं, आपकी 17 डिमांड हमको मंजूर है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, शर्म करो। अगर यहाँ पर दंगों में शामिल जो लोग हैं, जो इस देश को तहस नहस करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को छोड़ने की डिमांड होगी, और ये महाविकास आघाड़ी के लोग अगर पत्र देकर कहेंगे हाँ हमें ये मंजूर है, अरे तुम्हें मंजूर होगी लाचारी, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले हैं, ये लाचारी सहन नहीं करेंगे, ये देश छत्रपति के विचारों पर चलेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने देव देश और धर्म के ऊपर हमको ये कहा था कि हमको स्वराज तैयार करना है, और स्वराज तैयार करते हुए अगर कोई इस प्रकार से लाचारी सहन करता होगा, हम लाचार नहीं है। अरे मुझे तो इस बात का डर है, इस बात का दर्द है, उद्धव ठाकरे जी भी इसी सेना में शामिल हो गए। मुझे बताइए क्या हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने यह मंजूर किया होता कि दंगों के लोगों के केसेस हम वापस ले लेंगे, हमको वोट दो, क्या उन्होंने ये मान्य किया होता? अरे ऐसी डिमांड लेकर कोई जाता तो उसको 2 थप्पड़ मारकर वो वापस भेज देते, लेकिन कभी वोटों के लिए लाचारी नहीं स्वीकारते। ये कौन सी बातें चल रही है? और आजकल तो ओवैसी भी यहां आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। अरे भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या यहां पर हो रहा है, यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहाँ पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था, इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। दोस्तों
गीदड़ के मुंह में खून लग गया है, गीदड़ के मुंह में खून। गीदड़ को लगता है हमने लोकसभा में वोट जिहाद करके मोदी जी को परास्त कर दिया, लेकिन उनको ये पता नहीं है मोदी जी की ताकत क्या है, उनको ये पता नहीं है मोदी जी की ताकत क्या है। अरे महाराष्ट्र में हम सोए हुए थे, शायद नहीं जाग पाए, नहीं समझ पाए, इसलिए हम लोगों ने गलती की और इनके वोट जिहाद को नहीं समझ पाए, लेकिन अब सोए नहीं है, अब हम जाग गए हैं, अब जाग गए हैं, और जाग कर अब हम लोग इस चुनाव में वोटों का ऐसा धर्म युद्ध लड़ेंगे कि ये गीदड़ों के ध्यान में आएगा कि अब उनकी चलने वाली नहीं है, गीदड़ों को उनकी जगह दिखा कर रहेंगे। इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, इस बार का वोट आपके लिए नहीं है, इस बार का वोट आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। अगर आप ठीक तरीके से समझेंगे नहीं, अगर सोते रहेंगे, तो ध्यान में रखिए आने वाले दिनों में यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाएगा, ये परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए एक ही नारा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे और सेफ रहेंगे। इतना ही कहता हूँ, हमारे विनोद शेलार को विधानसभा में चुनकर भेजिए, इतनी अपील करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देवा 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 भाव।